अच्छा सा दहक जाए, फिर हम ये हाफ डन हो जाएगी ना, तब हम इसमें इसको स्मोक लगाएंगे। फुल डन नहीं, हाफ डन हो जाएगी तब हम इसमें, बेहतर है। इसको हम इस तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे सारी चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ स्मोक चिकन। ये बड़े मज़े की और बहुत जल्दी से बन जाएगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं बड़े मज़े की स्मोक चिकन। जी स्मोक चिकन के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ये ली है मैंने तकरीबन 750 ग्राम चिकन। ये 750 ग्राम चिकन है, पूरी मुर्गी ले ली थी मैंने, उसके करवा लिए थे 8 टुकड़े, जिसमें से मैं ये 4 यूज़ कर रही हूँ। कट लगवा दिए मैंने इनमें। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो ढाई से तीन खाने के चम्मच है ये तली हुई प्याज, और ये मैंने ली थी एक प्याज दरमियाने साइज़ की, उसका मैंने ये पेस्ट बना लिया। और एक कोयला चाहिए हमें, ये है कच्चा पपीता पाउडर एक चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच गरम मसाला, और नमक हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ऑयल जो है इसमें थोड़ा सा जाएगा, बस आधी प्याली के करीब, जब हम इसको स्मोक लगाएंगे चिकन को। स्मोक चिकन के लिए पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। ये प्याज मैंने इसमें निकाल ली, प्याज पिसी हुई प्याज, ये पिसी हुई प्याज है, और इसमें ये जाएगा अदरक लहसुन, सारी चीज़ें एक साथ ही चली जाएंगी, ये सारे मसाले। और इसमें हम ये चिकन उठाएंगे और इसको मैरिनेट करके तकरीबन अगर आप 2 से 3 घंटे रख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम इस तरीके से मैरिनेट करके रख देंगे सारी चिकन को। चार टुकड़े लिए थे हमने, और चारों टुकड़ों को हम इस तरीके से, और छोटी बोटियाँ वो गर्दन है जैसे चिकन की जो होती है, बस ये हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। स्मोक चिकन के लिए ऑयल ले लिया मैंने, इसमें मैं डाल दूंगी राई, ये ऑप्शनल है, मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ बहुत। और साथ में हम ये डाल देंगे बहुत प्यारी खुशबू आई है, बहुत ही प्यारी, और सरसों ऑयल की, राई की। बस चिकन को हम कर देंगे कवर, इसमें अब हमने और कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। थोड़ा सा वो जो मसाला है उसमें मैं पानी डाल के इसको कवर कर दूंगी ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा गल जाए। ये देखें, मैंने इसकी आंच जो है वो बहुत कम की हुई है, और दूसरी साइड पे कोयला जो है वो मैंने उसको रख दिया है ताकि वो अच्छा सा दहक जाए, फिर हम ये हाफ डन हो जाएगी ना, तब हम इसमें इसको स्मोक लगाएंगे। फुल डन नहीं, हाफ डन हो जाएगी तब हम इसमें स्मोक लगा के फिर हम इसे और मज़ीद पकाएंगे। अब ये थोड़ी सी गल गई है, हाफ डन नहीं हुई, बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी ना, फिर हम इसको
चिकन हमारी कुछ हाफ डन हो गई है और अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक प्लेट और कोई सी भी आप रफ सी प्लेट ले लें, इस पे हम रखेंगे ये कोयला, इसको मैंने दहका लिया है, इसमें डाल देंगे ये ऑयल और इसको तकरीबन एक मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें स्मोक आ जाए, फिर हम इसको निकाल लेंगे और दोबारा इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्मोक चिकन रेडी। मैंने इसको सलाद पत्ते टमाटर से गार्निश कर दिया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।